सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और सलाम। इस वक्त की बेहद ही दर्दनाक ताज़ा खबर सामने आ रही है। जब पूरा देश सीमा हैदर और सचिन की खबरों पर अपडेट के लिए तैयार रहा, उसी बीच ये भयानक हादसा होता है जिस पर टीवी चैनलों का बहुत ही कम ध्यान गया है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, एक भयानक हादसा हुआ है और इस हादसे में पूरा गांव धरती में समा गया है। गांव के करीब 40 से 50 घर तबाह हो गए हैं और अब तक 16 लोगों की जान जाने की खबरें सामने आ रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबरें सामने आ रही है महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले से। महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के खालापुर तहसील के इरसालवाड़ी गांव में अचानक धरती फट जाती है, भयानक लैंडस्लाइड हो जाता है और इस भूस्खलन में करीब 40 से 50 घर दब जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF ने बताया है कि गुरुवार को यहां पर मलबे में 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की संभावना बताई जा रही है। अब तक करीब 16 लोगों की जान जा चुकी है। इरसालवाड़ी गांव में भूस्खलन की सूचना मिलते ही स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित मंत्री उदय सामंत सिंह और गिरीश महाजन, दादा भूसे और महेश बालदी भी मौके पर पहुंचते हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घोषणा करते हैं कि मृतकों के परिवारजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा करते हैं, साथ में घायलों के इलाज स्वयं पूरी सरकार उठाएगी। NDRF की टीम ने कहा है कि दो टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, खोज बचाव का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेशन में शामिल होने के लिए दो टीमें मुंबई से भी रवाना हो गई हैं। घटना के बाद रायगढ़ पुलिस ने एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। अब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा करीब 22 से 25 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों के मलबे में फंसे होने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब तक 16 लोगों के शव तो बरामद किए जा चुके हैं। दोस्तों, इस बड़ी घटना के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और एस्टेंट फॉर न्यूज़ आपको पल पल का अपडेट लाता रहेगा। हम आपको आगे जानकारी देना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि चौक गांव से 6 किलोमीटर दूर मोरवे बांध के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र पर ये आदिवासी गांव बसा हुआ है। बताया जा रहा है, जैसे ही भूस्खलन होता है पूरा पहाड़ नीचे की ओर धस जाता है, जिसमें 50 से 60 आदिवासी परिवारों की जो संख्या है, इसमें करीब 40 घर हैं, परिवार पूरी तरह मलबे में दब जाते हैं। भयंकर बारिश और भूस्खलन घटनाओं के कारण राहत कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है और NDRF की टीम का एक जवान की भी मौत हो चुकी है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।